आपके जुड़वा सुशांत निशान। नमस्ते, सस्त्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, बीस्ट म्यूजिक से पहली बार, मतलब नहीं तो पाजी के इससे आता है, नहीं तो कोई रिकॉर्ड लेबल से आता है, बीस्ट म्यूजिक से पहली बार यो पाजी का गाना आया है, बिल्कुल फीचरिंग लिल पंप। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, म्यूजिक बाय डीजे शैडो दुबई, ठीक है, कैसनोवा, कैसनोवा गाने का नाम है, मिहिर भाई का भी नाम है, तो अभी पता है वीडियो भाई ने बनाया होगा, तो ज्यादा बात नहीं करते, देखते हैं कि इस बार क्या वाइब है भाई का। जरूरी है, वाइब चेक करना जरूरी है, क्योंकि हर बार ना कुछ ना कुछ भाई ट्राई कर रहे हैं कि पब्लिक को कुछ नया दे, बिल्कुल ठीक है ना, पब्लिक नया देने का ट्राई कर रहे हैं पब्लिक। हाँ, तो क्योंकि हुआ क्या, मैंने भी एक लाइव में या इसमें देखा था भाई के, कि जो मैंने 2011 में बनाया था वो अभी चल रहा है, अब तक सुन रहे हो, बिल्कुल, तो वो था भी वैसे, बिल्कुल है कि नहीं, कि अब तक सुन सकते हैं, तो भाई कुछ नया दे रहा है, सो लेट्स सी गाइस, बिल्कुल क्या होता है अभी, इसमें क्या है क्या नहीं, और चलो देखा वन टेक में जो बता पाएंगे हम लोग बताएंगे। आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना कर और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो और ऐसे ही सजेशन देते रहो, बिल्कुल ठीक है। आपका सपोर्ट तो यो आर्मी का सपोर्ट तो रहता ही, अरे एक नंबर पब्लिक, एक नंबर है अपनी। चल लगा रहे सुचार, कभी कभी थोड़ा सा जेन्युइन रहते हम लोग तो भी क्या करें, बिल्कुल जरूरी है। चलो हरियाली है फुल, रात के 3:30 बजे तेरे आगे शराब सजे, घंटा घंटी बजे मजे, रात के 3:30 बजे तेरे आगे शराब सजे, घंटे पे घंटा घंटी बजे पास आज कट्टो आएंगे मजे। मजबूर करे तोड़ने को सीट 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 तेरे बदन की हीट, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमको बताओ, क्योंकि आपका भी रिव्यू जानना हमको हमारे लिए जरूरी, बिल्कुल राइट, बिल्कुल बिल्कुल। मानूंगा तुझको मैं नीड 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 ना चाके, मानूंगा तुझको मैं डी 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 ओके, अपने बंदे को तू चीट 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 चीट, टेस्ट तेरा स्पाइस स्पाइस, सुमर किस स्पाइस स्पाइस, बेबी क्लोज योर आईज आईज कर दो आईज स्पाइस स्पाइस, तेरी बुरी बुरी ना रख मुझसे दूरी दूरी, बत्तियां बुझा के खेले आम चूरी जपन चूरी, मेरे यार कैसनोवा, तौबा तौबा तौबा, मेरे यार कैसनोवा, तौबा तौबा तौबा, मेरे यार कैसनोवा,
ओके ओके सो अभी हम लोग बात करते कि वापस एक बार सुन लेते, मैं अभी अच्छे से मैं सुनना चाहूंगा क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ वीडियो के बारे में जरूर बोलूंगा बात। हर बार की तरह वीडियो अच्छा ही होता है, ठीक है ना। आप देखो ना कितनी हरियाली है, मतलब लड़कियों की नीले है, वही बोल रहा हूँ ना, नीला कलर है, पीला कलर है, काला कलर है, रेड कलर है, रेड कलर है, पिंकी पिंकी व्हाट कलर, वो सब सब कुछ है भाई। तो या वीडियो में काफी हरियाली है, ऑब्वियस अपने डायरेक्टर वही हो गए, सुशांत क्या बोलता है, डायरेक्टेड बाय मिहिर गुलाटी भाई, बहुत अच्छा काम। इस बार डीओपी अलग है, अच्छा कोई बाहर का नाम दिख रहा है मेरे को, अच्छा नहीं तो हमारे परमानेंट जो है भाई वो होते हैं, काफी अच्छा काम है उनका भी, ये भी काम काफी अच्छा लग रहा है। बट हाँ, पीछे मिहिर गुलाटी भाई और वो जो डीओपी अपने उनका कलर वो अलग है, तो बाद में बात करते हैं। वो वीडियो तगड़ा है, नो डाउट। अब मैं वापस लगाता हूँ, अगर आपको जानना है थोड़ा सा गाने के बारे में, हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में, तो आप जरूर रहो, बिल्कुल। या तो फिर अगर जिसको इंटरेस्ट नहीं है म्यूजिक में तो वो जा सकते हो, है कि नहीं, बट जिसको इंटरेस्ट है कि थोड़ा सा डीप बने रहे तो बने रहे, और ऐसे रखे, ऐसे सपोर्ट रखे। और वापस बोल रहा हूँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, और आपके सुझाव हमको देना जरूरी है। मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है, हम तो हमारे सुझाव अभी दे ही रहे, ठीक है ना। बस चलो लगा दे सुशांत, अच्छे से देखते अभी। हाँ, अच्छे से ही देखा था, सुना था, वापस सुन रहा हूँ। ये बोल रहा था कि इसका बीट जो है, बीट वो मेरे नोटिस या जी 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 क्यों पीते हो इतनी ई ई ई, तो एग्जैक्ट वही बीट जी, वही बीट है, वही बीट है, मतलब बीट वैसा ही है, पर बाकी एलिमेंट्स चेंज हुए हैं बस, बिल्कुल जो बिल्कुल मतलब ये नहीं है, बट अरेंजमेंट जो है, जो बीट का पैटर्न है वो वही है, समझ, मतलब म्यूजिक का पार्ट जो है वो वैसा ही है उतना, मतलब कोई मतलब मैं ऐसे तारीफ नहीं करूंगा भाई साहब ऐसा ऐसा, बट अपना म्यूजिक ऐसा नहीं, वही सेम उसका बीट, एग्जैक्ट बीट है, बिल्कुल ठीक है, बाकी एलिमेंट्स चेंज हुए बस। और बाकी पाजी का भी बीच में जो गाया था ना पाजी ने, तो आया जैसे स्टार्टिंग से लेके अब तक मेरे को बहुत तगड़ा लगा पाजी का सीन, ठीक है ना, पाजी का सीन कुछ नया दे रहे गाइस, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप समझो ये बात, ठीक है ना। आप अगर 2011 वाले हनी सिंह को पकड़ के चल रहे हो, क्योंकि सब नहीं, सब है ना अपना अपना एक ये एक करते हैं, अलग अलग सीन होता है, तो आपको एक्सेप्ट करना टाइम लगेगा, ठीक है, बट आपको और जब आप बहुत ज्यादा आगे चले जाओगे ना, तब पता चलेगा कि हाँ आप इस पे वाइब करोगे, वो वाला वाइब वो था 2011, शायद करो भी ना भी करो, वो अभी आप पे छोड़ते हैं, आप पे छोड़ते हैं, हाँ मैं वो उस चीज की ध्यान दे रहा हूँ कि मैं कुछ, पाजी ने बोला था मैं कुछ नया देना चाहता हूँ, तो मैं उस चीज पे हटाऊ, बिल्कुल, नहीं तो फिर रिव्यू करने के लिए तो फिर बहुत सारी चीज है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल, फिर तो आपको बताइए हम लोग जब एकदम रिव्यू पे आ जाते हैं फिर ये होते हैं, बट मैं इस चीज का ख्याल रख रहा हूँ भाई के, बिल्कुल यो भाई के, कि मेरी जो नई चीज है उसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में दो, तो exactly. उस इसमें exactly. चल के हम लोग ज्यादा कुछ डीप बात नहीं कर रहे, बिल्कुल। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि जैसा पाजी का पार्ट खत्म हुआ तो ये जो फीमेल सिंगर है उनका पार्ट आया, तो मुझे लगा कि वहां से उठ जाना चाहिए था, वहां पे ड्रॉप हो गया, वहां पे थोड़ा ड्रॉप हो गया, बिल्कुल, तो हल्का ड्रॉप हो गया, ठीक है ना, तो जैसे पाजी ने पंप किया ना वैसे ही वो वाले पार्ट में थोड़ा ऐसा डाउन ड्रॉप गया, ऐसा हमको फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पाजी ने बहुत अच्छा पंप किया, फिर ऐसा, तो ये हमारा पर्सनल व्यू हम बता रहे हैं, ठीक है ना। बाकी तो, लिल पंप की अगर बात करें तो उनकी लिरिक्स तो मेरे को 10 बार सुनना पड़ेगा तब मेरे को जाके समझेगा, पहले इंग्लिश का वांदा है पता है ना, बट अगर ये बोला जाए कि जब इंटरनेशनल आर्टिस्ट की बात आती है तो वो भी कुछ गया बिल्कुल, अगर वो कंपेयर किया जाए तो ऑफकोर्स फिर बिल्कुल फिर बाहर का फील है, बिल्कुल बिल्कुल फील है, बाहर का फील है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय फील है गाइस, बाकी वीडियो काफी अच्छा है, वीडियो काफी अच्छा लगा।
तौबा 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 मेरे यार कैसनोवा, तौबा 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 मेरे यार कैसनोवा। इधर कोई कंपोजिशन आ जाता था ना लड़की का, मजा आ जाता था। जैसे पंजाबी में कैसे ध्यान देना पड़ता है हमको, ऐसे बाकी लैंग्वेजेस में हमारी मातृभाषा छोड़ के उसमें कैसे ध्यान देना पड़ता है अच्छे से, तो वैसा ही बिल्कुल। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट चमकीला सिद्धूबाजी पत्थर दिल बेबी तू है पत्थर दिल की, तो बेबी तू है चिकनी नी 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 इसकी सिर्फ स्केल ऊपर है बिल्कुल। डब्लू डबल ई डी 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 ई मैंने थोड़ी नहीं पी 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 वो सब कुछ नया अभी हाँ एलिमेंट्स है कुछ नए नए। मेरे को ऐसा लगता है कि जो भाई का वो वीडियो के बाद में ना थोड़ा सा शांत हुआ, नहीं तो मैं बोलता था अरे पाजी ये क्या बना दिया वो क्या बना दिया, बट अभी जब वो इसमें या कि वो छोड़ो अभी मैं कुछ नया ट्राई करना चाह रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स हर आर्टिस्ट ट्राई करता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो गाइस आपको आपके आपके मन में घुड़िए नहीं तेरे व्यांगने मुंडे पट देने सारे मेरे चाहुंदे, उस टाइम के गाने भी थे वैसे बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छे थे। और गाइस बाजी के लिरिक्स वैसे ही है जो बाजी लिखते थे, आप समझो ये बात। लिरिक्स तो वैसे ही है, लिरिक्स वही है, लिरिक्स जैसे बाजी एकदम स्वैग में लिखते थे कमर्शियल लिरिक्स वैसे कमर्शियल वैसे ही लिरिक्स है, समझ रहे हो आप? तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लिरिक्स वैसे ही है। चलो लगाओ नीड ना चाके मानूंगा तुझको मैं डी डी, ये तो लिरिक्स ही पहले बनते अपने बंदे को तू चीट 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 डीजे शैडो भाई की, तो भाई ने ऑफ कोर्स बीट भली सैया जी वाली होगी बट कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है वो लाए है उसको पकड़ने की कोशिश की है, तो शैडो भाई वेरी नाइस वेरी नाइस, उसके लिए बोलना चाहूंगा मैं। बाकी लिलपम भाई की भाई ने बहुत अच्छा पकड़ के रखा। और हनी पाजी की अगर बात करें
तो पाजी वैसे लिरिक्स लिखते हैं जैसे पहले जो, बट अभी क्या चाहिए है, आप लोग लिरिकली बहुत अलग गाने सुनना चालू कर दिए हैं अभी इंडिया ने। सही बात है, सही बात है, ठीक है, तो उसके वजह से। बट अगर सोचा जाए पास करा दू फोन कुमा दू तेरे प्रिंसिपल भी बेबी यो यो की फैन है, ये हो गया। अरे बहुत सारे लिरिक्स ऐसी है जो भाई अभी भी, अब क्या हो गया वो टाइम पे उतने, मतलब हिप हॉप इंडस्ट्री ना उतनी मतलब उभर चुकी नहीं थी। हाँ, अब इतने इतने सबको रैपर बनना है तो सब लोग लिखना चालू कर दिए, तो ठीक है ना, सबका तो सबका अलग अलग आप स्तर सुन रहे हो, समझ रहे हो क्या आप, तो इसमें तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बिल्कुल बस हमको जो लगा वो हम लोगों ने बोला, बिल्कुल। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमको सुझाव दो कि आपको कौन सा कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा, ये मतलब हर एक चीज हमको बताओ, क्योंकि हमको जो बोलना था हमने बीच में रोक के अच्छे से बोल दिया आपको, अच्छे से हमारा रिव्यू दे दिया क्या शॉर्ट है करके, ठीक है ना। बाकी मैं हम लोग आप पे छोड़ते हैं, बिल्कुल। और यस, मैं अगर पाजी की बातों पे गौर करूं वो इंटरव्यू वाले, तो ऑफ कोर्स नया वाइट था, अरे बाबा वाइट वाइट बहुत अच्छा था यार। हां मैं वाइट बोल रहा था, वाइट कर रहे थे अपन अपने, हां वाइट कर रहे थे, प्रॉपर वाइट कर रहे थे, ऐसा है। तो गाइस मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही हमको आप भी सुनो, हमको सजेशन दो आपको क्या पसंद आया। मैं वापस तीन बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को सीरियसली आपके तरफ से भी जानना है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमको तो वाइब अच्छा लगा। हां अच्छा लगा, बिल्कुल सीरियसली बोल रहा हूँ, हाँ बढ़िया वाइब लगा। अगर अगर बाहर के गाने भी सोचा जाए तो ऑफकोर्स अच्छा लगा, वही तो अंतरराष्ट्रीय के हिसाब से देखो ना, अगर ही इज ट्राइंग समथिंग न्यू, बिल्कुल। तो बिल्कुल, सपोर्ट बिल्कुल करो, और हमको भी ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत। Na 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 na